सरकार द्वारा तीन कृषि कानून के खिलाफ पूर्व विधायक सोलत अली किसानों को समर्थन देने पहुंचे मुंडा पांडे 80 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन को आज पूर्व विधायक सोलत अली अपने समर्थकों के साथ दलपतपुर से पैदल यात्रा कर नियामतपुर इक्टोरिया टोल प्लाजा पर किसानों को अपना समर्थन देने पहुंचे और कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार अपनी हठ धर्मी पर अड़ी हुई है, ये देश के अन्नदाता की आवाज़ को दबाने में लगी हुई है। इससे पहले जो सरकारें रही उन सरकारों ने पूंजीपतियों को जेल भेजा था। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई तब से पूंजीपति इस सरकार में लंबे लंबे घोटाले कर विदेश भाग रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर किसानों के धरना प्रदर्शन में पहुंची पूनम पंडित ने बोलते हुए कहा कि यह सरकार पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने के बजाय उनसे पकोड़े तलने को कह रही है। आज का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। आज के समय में गरीब की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। इस सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब जनता अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाने की सामग्री के भाव आसमान छू रहे हैं। जनता इन्हें अब विधानसभा चुनाव में एक डोज लगाएगी और दूसरी डोज 2024 में चुनाव में लगाएगी, तब जाकर इस भाजपा सरकार को जनता अपने मत की ताकत दिखाएगी। अगर ये भाजपा सरकार इन तीन काले कृषि कानून को वापस नहीं लेती तो किसान पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर भाजपा प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगे। किसानों का आपने समर्थन किया है, कितने लोग यहाँ जमा हुए हैं और किसानों के लिए क्या क्या मांगे आपने? देखिए, यहाँ पे हमारे किसान यूनियन की तरफ से हमारे किसान भाई लगभग 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। क्षेत्र में एक सुखबगाहट थी, लोग चाहते थे उनका साथ देना, उनका सहयोग करना, आना, लेकिन नहीं निकल पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे। मैंने तो सिर्फ इतना किया है कि उन सबको इकट्ठा किया है और उनसे कहा है कि चलो किसान भाइयों का समर्थन करके आए। हम लोग पैदल वहाँ से ब्लॉक कार्यालय से चल करके आए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग हैं हमारे साथ। ये प्रोग्राम बिना किसी पार्टी, बिना किसी बैनर, बिना किसी नेता के नेतृत्व के है, किसान भाइयों का प्रोग्राम है सिर्फ, और हर जाति बिरादरी के इसमें किसान भाई शामिल हैं। हम सब इकट्ठे होकर के इन किसान भाइयों का, किसान इनका जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, समर्थन करने के लिए आए हैं। और हमारी मांगें सिर्फ ये हैं कि जो तीन काले कृषि विधेयक बनाए हैं इन्होंने, सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उनको तुरंत वापस लीजिए। जिसको लेकर के लगभग एक बरस से पूरे किसान आंदोलन, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, एक साल होने जा रहा है, लेकिन इस सरकार, मेरी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। हमारा भी यही कहना है कि इन तीनों विधेयकों को ये सरकार वापस ले तुरंत, और इसके साथ साथ गन्ने का भुगतान रुका पड़ा है उसे अदा करे, किसानों के बिजली के बिल माफ़ करे। ये सारी मांगे जो क्षेत्रीय मांगे हैं हो सकती हैं वो हमारी इसमें शामिल है। आप भी पूर्व विधायक रहे हैं, सदन में रहे हैं, जिस तरीके से राज्यसभा में कल हंगामा हुआ है, वहाँ बाउंसरों से कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा सांसदों के साथ हाथापाई भी की गई है, कितना उचित मानते हैं आप? मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूं, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूं। सदन में, सदन की कार्रवाई कितनी महंगी होती है, वहां एक एक सेकंड कितना महंगा होता है, उसको लेकर के अगर कार्रवाई में कोई बाधित होता है या बाधा डाली जाती है तो ये उनकी ना अहली है। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि अगर कोई सदस्य उसमें व्यवधान उत्पन्न करता है तो इसका मतलब वो सदन, वो सदस्य जो है वो ना अहल है, नालायक है, अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। वो वहाँ पे सहयोग होना चाहिए था, अपनी बात कहते, माइक से कहते, समर्थन होना चाहिए था। जैसे कि मुझे नहीं किसी राजनीतिक दल का नाम लेना चाहिए, लेकिन CAA जब पास हुआ था राज्यसभा में तो 5 वोटों से पास हुआ CAA, 11 सदस्य समाजवादी पार्टी के, जिसमें हिंदू मुसलमान सब थे, 5 सदस्य मायावती जी के, चार सदस्य मायावती जी के, 15 सदस्यों ने जानबूझ करके वॉकआउट किया और 5 वोटों से CAA बिल पास हो गया राज्यसभा में। अगर वो 15 सदस्य वहाँ वोट करते तो CAA बिल पास नहीं होता। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो सदस्य व्यवधान उत्पन्न करता है कार्रवाई में, वो अपने आप लायक नहीं है, वो जानबूझ करके अपने अज्ञानता को छिपाता है। और वहाँ पे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से किसान लगातार देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आरोप लगा रही है, सरकार के बड़े मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं किसानों को उकसाने का काम कर रहा है, कितनी सच्चाई है? नहीं, गलत। किसान भाई विपक्ष में भी हैं, सत्ता पक्ष में भी हैं। सत्ता पक्ष के भी बहुत सारे ऐसे MLA और MP हैं जो पार्टी के उससे मजबूर तो हैं नीतियों से, लेकिन चाहते हैं कि इस आंदोलन का समर्थन करें और गाहे बगाहे आगे पीछे चोरी छिपे वो अपना समर्थन दे भी रहे हैं। ये सबकी लड़ाई है, पूरे देश के किसान भाइयों की लड़ाई है। ये कृषि प्रधान देश है, कृषि पर निर्भर है सब कुछ यहाँ पर। कृषि यहाँ पर 125 करोड़ लोगों के खाने पीने का किसान इंतजाम करता है, उत्पादन करता है, उसी को आप सता रहे हैं, उसी की गर्दन मरोड़े दे रहे हैं आप। कौन साथ नहीं होगा? सत्ता पक्ष भी साथ होगा, विपक्ष भी साथ होगा। ये सबकी मिलकर लड़ाई है, मिलजुल के लड़ी जानी चाहिए।